तो गाइज ये है हमारे मकैन के ये आलू टिक्की, बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। ये टिक्की लग तो नहीं रही किसी भी एंगल से, कोई नहीं, जब फ्राई होगी ना तब लगेगी। जो मोहम्मद रफी वाला कवि सम्मेलन है वहाँ पे हमने जाना था, तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे, बाकी लोग अभी रेडी हो रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे। गरू फार्म हाउस पापा बोल रहे हैं रेडी हो चुका है, चलो देख के आते हैं क्या क्या उसमें रेडी हो चुका है और क्या क्या एडिशन हो गया है। तो अभी हम सीधा वहीं जाएंगे, वहीं मिलते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग, आपकी सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पैकिंग कर ली, हम निकलने वाले न्यू ईयर टूर के लिए, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। ये हम पैकिंग कर रहे थे, हमने व्लॉग क्लोज किया, अब अगला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और गरु नाचते नाचते इसने टोपी लगाई हिमाचली वाली और नाटी के इसने रील बनाई है कभी, तो अगर आप लोगों ने देखनी है वो रील तो इसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, गार्गी त्रिवेदी ऑफिशियल्स। मुझे भी कर सकते हैं साथ में, राहुल त्रिवेदी ऑफिशियल्स। तो हमारी रील आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो गरु की जो स्पेशल नाटी से निकली है तो आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग रेडी हो रहे थे, वो कवि सम्मेलन था बताया था आपको अपने लास्ट व्लॉग में, तो वहाँ जाना है हमने मम्मी पापा के साथ में। पर उससे पहले हमें लगी है भूख, तो हम बनाने वाले हैं बर्गर, चीज़ बर्गर, अपनी स्पेशल रेसिपी फैक्ट्री में से वहाँ से निकाली है मैम ने, तो अभी वो हम बनाने वाले हैं। तो बन ले आए हम जाके, तो अभी बस हम स्टार्ट करने लगे। तो अगर कुछ भी ब्लॉग में अच्छा लगेगा इंस्टेंट बर्गर बनेगा, इंस्टेंट बर्गर अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गरु ने डिसाइड किया कि ये जो बर्गर बनाने वाला काम है गरु उसमें टोपी लगा के बनाएगी, वो पूरी फीलिंग ले रही है हिमाचली, आज हिमाचली नाटी पे रील बनाई है। तो अब ये रेसिपी भी हिमाचली, बर्गर मत बनाना हिमाचली तरीके से, पता लगे यहाँ पे चाइनीज इटालियन को इसने बना दिया हिमाचली। तो ये मैकेन के ले आई थी यहाँ पे, और साथ में हम इसके बन भी ले आए हैं, बन पता नहीं कहाँ रखे हैं इसने। तो अभी मैम ने स्टार्ट कर दी अपनी स्पेशल रेसिपी, तो कौन सी रेसिपी नंबर कौन सी रहेगी बता देना, तो लोगों को अगर बनानी होगी तो आपकी बुक में से देख लेंगे वो, है ना। गरु बहुत ही जल्द एक बुक लॉन्च करने वाली है जिसमें इसने अपनी रेसिपीज़ के बारे में बताया है। तो जैसे ही गरु अपना यूट्यूब पे चैनल लॉन्च करेगी साथ में हम उसके बुक्स के बारे में भी बता देंगे कहाँ से आप ले सकते हैं उन बुक्स को, और गरु की बहुत ही शानदार शानदार रेसिपीज आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी नंबर ये रेसिपी नंबर बता करेंगे, बाकी आप देख लेना कौन सी रेसिपी से फॉलो करना है। ये है हमारे मकैन के ये आलू टिक्की, बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। ये टिक्की लग तो नहीं रही किसी भी एंगल से, अच्छा फ्राई करेंगे तब लगने लगेगी, है ना। मगर टिक्की ऐसी लग तो नहीं रही, ये पता नहीं बर्गर में डल के लगेगी अगर, हो सकता है कोई पता नहीं है, मेरे को पता नहीं ना। अब आप पहली बार बताते हो कि रेसिपी बन रही है, आपको देख के पता लगता है मुझे कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है मार्केट में जो खा सकते हैं हम। तो शाबाश, हमारी हिमाचली मास्टर शेफ है, पहले पंजाब से थी भी हिमाचली हो चुकी है। तो अभी ये हमारे पास स्टार्ट कर दिया हमने फर्स्ट फेज ऑफ बर्गर, इंस्टेंट बर्गर का। तो अभी हम इसको पहले तलेंगे, है ना, फ्राई करेंगे, उसके बाद बर्गर का सेकंड फेज स्टार्ट होगा। सेक भी सकते हैं नॉर्मल तेल में, हाँ। हम लोग फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। नो चांस, ओनली डांस। वाओ कितनी मस्त आवाज आती है इसमें से। तो गाइस गरु ने ये काट ली है जो बर्गर, में आपको पता ही है कि राउंड शेप में ही सारे डालने पड़ते हैं वेजिटेबल्स। तो ये हो गया हमारे पास, टमाटर और प्याज रेडी हो गया। गरु ने ये टिक्कीज भी कर ली है, ये लास्ट टिक्की हो रही है। तो सॉस जो उसमें डालना है हमने, सॉस वेजिटेबल, वो गरु ने इसमें कर दिया, अभी इसमें बनाएगी है इसका बर्गर का सॉस। तो हमारे पास लगभग 40% हमारा काम रेडी हो गया है ना गरु, बस थोड़ा सा रह गया फिनिशिंग वाला अपना। तो बहुत ही जल्दी यमी यमी जो हमारा बर्गर बनने वाला है, सब लोग वेट कर रहे हैं, मेरे पास धूप में वेट कर रहे हैं कि फटाफट लेके आओ बना के, हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बनाया। अभी हम लेके जा रहे हैं अपने इन वेजिटेबल्स को, माइक्रोवेव करेंगे इनको हम 2 मिनट्स के लिए एज़ पर गरु के इंस्ट्रक्शंस। गरु ने बोला कि आप इसको रख दो, कि मैं कहा पता नहीं, आज मैं ट्राई करूँगा पहली बार माइक्रोवेव चलाना। तो अभी हम इसको रख देते हैं और इसको हम क्या करते हैं उसके बाद गरु बता दो। ये बस हो गया, 2 मिनट्स के लिए इसको करना है हमने, तो ये थोड़े थोड़े से पक जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। गरु कहाँ भागी, अगला काम इसको पूछना पड़ेगा, वरना बोलेगी या बस खाने पे ध्यान दे, तो हेल्प तो करते नहीं हो। मैं कहा मैं करूँगा ना पूरी हेल्प, मुझे बताओ काम क्या क्या। अब अगला टारगेट ये हमारे पास बर्गर्स के बंस हैं जो हम लाए हैं फ्रेंच बेकरी से, स्पेशली फ्रांस गए थे हम, वहाँ से लेके आए थे। वाओ टिक्की कितनी मस्त लग रही है, मैं तो कच्ची खा लूँ इसको, मैं ऐसे खा लूँ, खा सकते हैं ना इसको, मैं इसको मेरे को सलाद इस पर डाल के दे दो सारा, चटनी चुटनी मैं यही खा लेता हूँ, आप बर्गर खा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो गाइज ये हो गया है हमारे, गरम तो नहीं है, वेजिटेबल्स हमारे हो गए हैं लगभग थोड़े से को डालेंगे हम इसमें बर्गर में। मास्टर शेफ गरु को सौंप देते हैं, गरु ने बहुत सारे सॉसेस भी रेडी करके, सामान सारा होता है गरु के पास, तभी तो बना लेती है रेसिपी ये सारे, है ना गरु, रेसिपीज बनाने के लिए सामान चाहिए तो आपने पहले सामान ले रखा होता है। ये लो आपका सामान, थैंक यू सो मच हमारे को थोड़ा सा काम करवाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे खाऊं बैठे बैठे, मैं चाहता हूं थोड़ा काम कर लूं। ये हमारे पास आ गए हैं सॉसेस की बहुत सारे, वाह आप बिल्कुल हिमाचली स्टाइल में पंजाबी स्टाइल का बर्गर बना रहे हो,
वाओ। तो गाइज ऐसा कुछ लग रहा है हमारा यमी बर्गर इंस्टेंट रेसिपी फ्रॉम गागीस बुक। तो गागी ने बोला कि बस अब रेडी है और ये हमारे पास बस चीज़ डालने की लेट थोड़ी सी देर था, यहाँ पे चीज़ भी डाल दी है, अब बस इसको हम कर देंगे कवर। इसको ऊपर से रखते हैं ना, मुझे लगा ही था ऊपर से रखते हैं। अभी ये हमारे पास ये देखो दो बहुत ही लजीज बर्गर रेडी हो चुके हैं। अब ऐसे ही दो और रेडी करेंगे हम, फिर इकट्ठे करेंगे हम इसको गायब पेट में सीधा ही। हमारे बर्गर्स तो रेडी कर दिए गरु ने और अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा बोनस भी है। बोनस में हमारे पास स्माइलेज हैं। गरु बोलती है आपको स्माइल स्माइल करते रहो तो आपको स्माइलेज भी खिला देते, तो स्माइलेज भी बना ली हमने। बाकी माइक्रोवेव में हम नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट ही चली गई अभी, तो हमने अब डिसाइड किया कि जो हमारा बर्गर है वो हम तवे पे यहीं पे ही कर देंगे। हम मेन तो इसमें जो चीज़ डाली है वो मेल्ट होनी चाहिए क्योंकि सारा स्वाद ही चीज़ का ही आने वाला है। तो हम गरु ने बोला कि मैं इस पर ही कर दूँगी रेडी आपके लिए। फाइनली हम पहला हमारा कंसाइनमेंट जा चुका है, दो हमने मम्मी पापा को दे दिए, बस हमारे वाले दो रह गए। तो अभी हमारे बर्गर्स कर रहे हैं हम हाफ हाफ, क्योंकि फिर ऐसे इकट्ठे खाएंगे तो साइडों से सामान गिरता रहेगा, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा इसके हाफ हाफ कर दो, हो भी चार पीस जाएंगे, बोलने में जाएगा चार पीस खा लिए हमने और सही से खा भी हो जाएगा, क्योंकि बड़े पे फिर संभालना मुश्किल हो जाता है इसको। तो अभी हमारे पास स्माइलेज भी रख लो इसको साइड में सजा के बढ़िया से। वाओ, खाने का बहुत सारा असला मेरे हाथ में पकड़ा दिया है। मैंने गरु को बोला कि मेरे हाथ में तो मैं ही खाऊंगा, अभी इसको नहीं दूंगा। गरु आप तो खाओगे नहीं ना, आप दाल दाल रोटी खाओ, दाल दाल रोटी खाओ आप। वाह कितना टेस्टी, धूप में बैठो और एंजॉय द बर्गर। वाह चीयर्स। गरु की मास्टर रेसिपी है ये, गरु ने इंस्टेंट बर्गर दिया सबको। लो हिमाचली मैम। गाइस वाओ कितनी मस्त लग रहा है ये, तो वैसे इससे भी अच्छा लग रहा है जो हम बाहर खाते हैं, बर्गर किंग में खाते हैं ना, ये बर्गर क्वीन ने बनाया है। तो अभी गरु खाओ, आप करो आप करो, आप हमारे रिव्यूअर आप ही हो, आप रिव्यू खाओ, जल्दी खाओ मैं सारा खा जाऊंगा। जल्दी खाओ, बताओ कैसा बनाया मैंने, बताओ कैसा बनाया मैंने बर्गर। अपने आप बना के अपने आप को ऑसम बोलते, पापा कैसा लग रहा है, अच्छा है, मम्मी रिव्यू दो, बहुत टेस्टी है। वाओ गरु आपको तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, आप बहुत अच्छा बनाते हो, आपको कैफे कैफे का मेन शेफ आपको ही रखा जाएगा। अब आप टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। मुझे देख के बड़ा सुंदर लग रहा है ये, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो खाऊंगा। यम्मी, बहुत ही शानदार है। तो गाइज अभी हमारा हो गया बर्गर पार्टी कंप्लीट हो गई और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे पापा को कि आप लोग आए नहीं अभी तक, जो मोहम्मद रफ़ी वाला कवि सम्मेलन है वहाँ पे हमने जाना था। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे, बाकी लोग अभी रेडी हो रहे हैं, मैं क्या चलता हूँ जब तक अपनी गाड़ी वगैरह क्लीन करता हूँ ना, मिट्टी वगैरह होगी होगी तो इसको कर लेते हैं साफ़, गाड़ी लेके जाएंगे ना वहाँ पे, थोड़ा चीफ गेस्ट टाइप जा रहे हैं हम तो गाड़ी ज़रूरी है, पैदल जाके अच्छा लगेगा। गाइज हम आ गए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में, अच्छा गरु के एग्ज़ाम भी यहीं पर हुए थे और जो आज का कवि सम्मेलन है वो भी यहीं पर ही होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है, गरु की यादें ताज़ा हो रही है। पापा हमारे चीफ गेस्ट आ गए, चले भाई भी कमेटी मेंबर के, इनके फ्रेंड्स ही कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज, इसी बहाने गवर्नमेंट कॉलेज में घूमने का मौका मिल गया। अभी जो फंक्शन है वो हो रहा है शायद थर्ड फ्लोर पे, तो हमें वहाँ तक जाना है। फंक्शन स्टार्ट हुआ 1 बजे और 5 बजे ख़त्म होने वाला है, हम पहुँचे हैं 3:30 बजे। तो जो मेन परफॉर्मेंस होती है गरु बोरी सिर्फ लास्ट में रखी होती है, तो इसलिए हम सीधा लास्ट परफॉर्मेंस देखने आए हैं। गर्दन कोई जरूर है साथी, हल्का हल्का शुरू है साथी, गर्दन कोई जरूर है साथी, हल्का हल्का शुरू है साथी, गर्दन we'll be right back.
डिपार्टमेंट में था यहाँ पे होशियारपुर कॉलेज में, तो हम लोगों ने किसी को नहीं पता तो मैं भी म्यूजिक की स्टूडेंट रह चुकी हूं। ये भी म्यूजिक स्टूडेंट रह चुके हैं मैम, ये तभी तो बहुत अच्छा था। क्लासिकल डांस करते हैं आप, म्यूजिक स्टूडेंट ही हो गए, पता ही सबको, इन्होंने सबने डांस देखा है आपका। तो हम लोग अभी ये कहते हैं यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देखी, आप लोगों ने देखी होगी, हमने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फंक्शन चला था, हम 1 से 5 था, तो हम पहुँचे 4 बजे, तो 1 भी मिल गई, बहुत अच्छा है। हम लोगों ने मिस नहीं करा कुछ, तो देखा तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कलाकार आए हुए थे, आर्टिस्ट आए हुए थे। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर। अभी काम, अभी सबसे मेन काम रहेगा कि इसके फ्रेंड्स को कॉल करनी है और उनसे अभी फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेना है क्या चल रही प्लानिंग भाई है, अभी कुछ प्रोग्राम की ऐसे ही है, हमारा तो बना हम तो चले जाएंगे, वो चाहे जाए नहीं जाए ना, हम तो चले जाएंगे। सो गाइस, मेरे जो एमए के एग्जाम्स होते थे संस्कृत वाले, वो इसी कॉलेज में होते थे। मेरे को ना क्लासेस देख के मेरे को एग्जाम वाली फील हो रही है, क्योंकि 5 बज रहे हैं, तो इस टाइम जैसे एग्जाम देख कर हम लोग निकलते थे ना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं भी एग्जाम देकर निकल रही हूँ इस टाइम। हम लोग कब से यहाँ पे आए, अभी इसने क्लासेस देखी तो इसको याद आया कि मैं एग्जाम देने यहीं आई थी, तो बता रही है। वाह वाह ग्रेट, अभी ये एमए पास हो चुके हैं, मैं अभी बीएड भी क्लियर होने वाला है इनका, सुपर। अभी पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं, वाह, डॉक्टर गार्गी बनने वाले हैं ये। अब हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, गरु फार्म हाउस, पापा बोल रहे हैं रेडी हो चुका है, चलो देख के आते हैं क्या क्या उसमें रेडी हो चुका है और क्या क्या एडिशन हो गया है। तो अभी हम सीधा वहीं जाएंगे, वहीं मिलते हैं आप। तो लो फिर गाइस, ये आ गए हम अपने फार्म हाउस पे, गरु वेरी एक्साइटेड, काफी टाइम बाद हम आए हैं। पहले तो बहुत कुछ बना था, ये स्विमिंग पूल है नया बना, पिछली बार यहां ग्रिल्स नहीं लगी थी, ये ग्रिल्स लग गई हैं, यस पापा जा रहे हैं उसके लिए भी। हाँ अभी हम चलते हैं, पहले स्विमिंग पूल से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये है स्विमिंग पूल, इसमें पानी नहीं है भाई, अभी पानी डालो गरु, पानी भरो इसमें फटाफट से, वाओ ऐसे ही कूद जाओ अच्छा लगेगा, ग्रेट। वो पतंग उड़ाई जा रही है, बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे हम आराम से नहाएंगे, अगली बार आएंगे ना गर्मियों में आएंगे तब। वाओ ये सारा एरिया फार्म हाउस का हमारा, अभी अंदर चलते हैं, ये गेट से अभी अंदर चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे फार्म हाउस में और क्या क्या ऐड हुआ है। गौशाला दिखाई थी आपको हमने पिछली बार, क्या हो रहा है, हाँ सनसेट देख लेते हैं, सनसेट। वाओ ये सन इज गोइंग टू सेट, ये सारे खेती है, बहुत सारी खेत, वो खेत 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 खेत, बहुत सारी हरियाली, फार्म हाउस और खेत। गरु यहीं पर रहना है आपने, ठीक है, आराम से यहाँ स्विमिंग पूल में नहाया, यहाँ से गाजर यहाँ से उखाड़ उखाड़ खाते रहे, सैलेड भी मिल जाएगा, है ना, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक सारे हमारे खेत हैं, ऐसे बोलो गरु फिर आप, है ना, थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये है फार्म हाउस व्यू, ये है यहाँ पे डांसिंग शावर पार्टीज का रखने वाले हैं हम यहाँ पे प्रोग्राम, वो शावर वहाँ पे बनेगा, बीच में जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ पे शावर होगा, और बाकी सब यहाँ पे लाइट्स, कैफेटेरियाज हैं, ये आपको बताया था पिछली बार भी हमने, ये सारे कैफेज हैं। ये देखो टेरेस गार्डन है ये ऊपर, यहाँ पे लाइट्स लगाई हैं लालटेन वाली, वाह बहुत ही प्यारा सजाया है, ऊपर लाइट्स और लालटेन का कॉम्बो रखा है। यहाँ पे कैफे लगा दो, यहाँ पे बर्गर वगैरह स्टार्ट कराओ, ये पूरी लाइटिंग देखो लगी हुई है, ये सारी लाइट्स हैं। हाँ ये लाइट होता है ना, ऑन करो इसको, ऑन करके दिखाओ तभी होगा पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा बिना ऑन करते हैं क्या, ऑन करो इसको। गाइस वी आर एट अवर फार्म हाउस, हमने पिछला व्लॉग बनाया था तो आपको दिखाया था सारा टूर, बाकी इसमें अब एड ऑन्स हो गई लाइट्स, देखो ये लगी हुई लाइट्स। अभी भैया बोल रहे हैं जो पापा जी के दोस्त के बेटे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी लाइट्स जब जलेंगी ना तो और भी प्यारा लगेगा, आप तब वो वाला व्यू देखना आप, बड़ा ज़बरदस्त आएगा। मैं कहा जरूर देखेंगे, अगर रुके तो हैं ही तो लाइट जला देना। ये आ गया छोटू, क्या हो गया छोटू, क्या हुआ, बस ऐसे ही मजा, ये फार्म हाउस पे मंजा ले रहे हैं, मंजा फार्म हाउस पे, बोल रहे घूमो रील्स बनाओ मेरी बहुत प्यारी प्यारी। तो एक्चुअली मुझे फोटो शूट करवाना था, जो हमारा फार्म हाउस का व्लॉग था उसमें यहाँ पे ऐसे था ना, ये हमने बनाया था थंबनेल ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन में। वाओ अभी अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनका लॉन्ड्री वालों का कि आपकी जो ड्रेसेस हैं वो हो गई हैं तो ले जाओ आके। गरु बोल रही है ये वाली लाइट्स दिखाई आपने, मैं कहा मैं दिखा दी है पहले, कह रहे कि जला के दिखाएंगे, मैंने ये भी बता दिया ऑलरेडी कि भैया बोल रहे हैं कि जब लाइट जलेंगी तो और प्यारा लगेगा ये। हाँ सब पेड़ों की ना अलग अलग
लाइट्स हैं कि वो उनका चेहरा पूरा अच्छे से खिलखिलाता है। तो ये लाइट्स लगाई है नीचे सारे सबके पैरों में, हर पेड़ के लिए अलग लाइट दी गई, कोई पार्शियलिटी नहीं हुई है किसी के साथ में भी, है ना। और जब हम अपनी पार्टीज रखेंगे तो इस वाले में रखेंगे, ये थोड़ा बड़ा है ना, इसमें लाइट्स जला के और पार्टी यहीं रखेंगे हम अपनी, सेकेंड एनिवर्सरी वाली पार्टी यहीं रख लेंगे हम इसमें, ठीक है। ये टीचिंग वाले अपने पोएम्स गा के काम चला रहे हैं। तो गाइस ये है सारा फुल व्यू हमारे फार्म हाउस पे, ये टी स्टॉल है, ये जुहू चौपाटी एरिया, यहाँ सारी स्टॉल्स लगनी है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, बस स्टॉल्स होगा, जब बुकिंग्स होती है तो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे साथ में टी पार्टी कॉफ़ीज़ वगैरह इसमें सर्व करी जाती हैं, और साथ में ये कैफेटेरियाज़ हैं जो अभी ऑन रेंट के लिए अभी रेडी हैं, अवेलेबल हैं, अभी जब कोई आएगा फ्रेंचाइजी यहाँ पे कोई लेगी तो हो जाए। गाइस अभी शाम का टाइम और देखो बर्ड्स कैसे चहक रहे हैं, वाह। अभी चलते हैं हम अंदर, चलते हैं हम ऊपर, मच्छर भी चहक रहे हैं पर मच्छर की आवाज़ नहीं आ रही, गाने गा रहे हो घूम घूम ऐसे आवाज़ आ रही है, बस हम जा रहे हैं अब अंदर पक्षियों के बीच में चलते हैं। आवाज़ सुनो आप लोग, आवाज़ आ रही होगी आपको डेफिनेटली, हमारे तो बहुत आ रही, देखो ये ऊपर सारे यहाँ पे पेड़ पे सारे पक्षी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही। तो चलते हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है, लॉन्ड्री वाले का मैसेज भी आ रखा है, भाई अपनी ड्रेस ले जाओ, हमारे बंद करने का टाइम भी हो गया है। तो फाइनली बाय बाय हमारे फार्म हाउस, हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी पार्टी में, इस बार हम आएंगे जब कोई पार्टियाँ बुकिंग करेगा ना कोई, उसकी पार्टी में आएंगे यहाँ पे घूमने फिरने, तब आएगा मज़ा। चलो बुला रहे हमारे को, देखो बुला रहे, आ जाओ पा बुला रहे, कुछ ढूंढा इन्होंने, और सारी गैया मिलने आ गए हैं, बच्चे भी आए हैं मिलने के लिए पापा से, स्पेशली पहचान लिए पापा को इन्होंने, वहाँ से दौड़े आगे, वो इनका घर है वहाँ पे, वहाँ से भागते यहाँ पे आ गए हैं। गरु भी आ गए मिलने, गरु मिल लो आप भी, ये हेलो गैया, फोटो खींच, ये बोरी मेरे को भी लो यूट्यूब में, मैं भी आऊँगी इसलिए आगे भाग के यहाँ पे खुद भी, ये भी एक और, वाह जय हो जय हो जय माता दी, सब जानते हैं पापा को यहाँ पे। पापा उस पर घूमी कर रहे थे, अब तक दो तीन बार उसके कॉल्स और एक या डेढ़ बार मैसेज और मिस कॉल आई है, डेढ़ बार कि भाई आ जाओ आप ले जाओ, आप सुबह तो बड़ी जल्दी बोल रहे थे कि जल्दी चाहिए, अब हम फ़ोन कर रहे हैं आप आ नहीं रहे लेने के लिए, तो हमने कहा कोई नहीं हम आ रहे हैं, जरा एग्जैक्ट हम ब्लॉगर्स हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं अपने फार्म हाउस पे आके, तो अभी जाके बताना पड़ेगा कि हम ब्लॉगर हैं, तंग मत किया बाबा, हम खुद आएंगे लेने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, घरों की ड्रेसेस लेके आते हैं, उनको भी हमने पैक करना है, बैग में थोड़ी सी जगह बचाई हुई है हमने, क्योंकि हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है सुबह, पता ही आपको कि हम निकल रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, कुछ हमने प्लान किया है, तो कल हम धमाकेदार बूस्ट क्या वो बूम वाला, तो हमने सुबह 7:30 निकलना है एग्जैक्टली, जो मैसेज आया क्योंकि हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं उसमें, तो जल्दी चलते हैं, फिर ड्रेस लेकर पैकिंग कंप्लीट कर दे। तो मैं यहाँ पर खड़ी रही और राहुल वहाँ पर जाके ले आए हैं, ये रही लॉन्ड्री, चंबल ड्राई करके लॉन्ड्री का नाम है इसका, और राहुल देखो आ रहे हैं क्रॉस पे, मैं कहा क्यों वहाँ पर फालतू में जाऊँ, मैं कहा आप ही जाके ले आओ, हम निकले थे अपने ड्रेसेस लेने के लिए वहाँ से, आए गरु बोलती मुझे पहले गोलगप्पे खिलाओ, 5 टाइप वाले गोलगप्पे, मैं जब आप आते हो ना मैं तभी खाती हूँ, मेरे ब्लॉग, चलो कोई नहीं, हाँ बता दे, ठीक है चलो बोल दो भैया, 2 प्लेट लगा दो बढ़िया से गोलगप्पे। गाइस फाइनली इट्स 9:15 और अभी टाइम हो गया हमारा डिनर का, बहुत ही पापा ने लजीज सब्जी बनाई है, मिक्स वेज पनीर की साथ में चटनी है, और ये लच्छा टाइप वाला पराठा कुछ बना के दिया है, अभी गरु आई नहीं है, गरु लेके आएगी फिर हम साथ में बैठ के खाएंगे। सो गाइस हमारा डिनर हो गया है कंप्लीट, हम लोगों ने बहुत आज घूम लिया है अच्छे से, बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत फार्म हाउस पे भी गए काफी दिनों बाद, आज आप लोगों ने देखा होगा काफी टाइम बाद फार्म हाउस पे गए, अच्छे से रेडी हो चुका है, कोई नहीं फिर कभी हम लोग आपको नाइट व्यू भी उसका दिखाएंगे, लाइटिंग वगैरह कैसी है, तो आज बोलते हैं लाइट्स देख के जाओ, मैं कहा हम लेट हो रहे हैं, हमारे को लॉन्ड्री से फोन आ रहे थे बार बार, सच में। तो चलो होपफुली आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगेगा होगा, और जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो हम आपको सीधा डेस्टिनेशन पे जाके मिलेंगे, यस गारुल कल सुबह 7 बजे निकल रहा है अपने टूर के लिए, न्यू ईयर टूर जो हमारा 2 डेज का है, तो हम कल सीधा डेस्टिनेशन में पहुंच के ही मिलेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हम जाएंगे बस वगैरह से, तो उसका क्या सुबह से ठंड में व्लॉग बनाना धुंधली होगी, तो हम डेस्टिनेशन होटल पहुँच के हम वाला व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ आए हैं और कहाँ कहाँ घूमी करने वाले हैं, गरु अभी तक घूमी नहीं है वहाँ पे, तो हम साथ में इस बार टूर बना रहे हैं, तो आप लोग वो भी एंजॉय करेंगे पक्का, अगर ये वाला व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट।